नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार सिंह। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सीकर के कल्याण अस्पताल के बाहर से। मोचरी में रखा 200 और बाहर भारी संख्या में राजू ठेठ समर्थक जुड़ने लगे भारी संख्या में। और जो राजू ठेठ समर्थक निकले शहर को बंद करवाने के लिए, आज सीकर शहर को बंद करवा रहे हैं और भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। देखो शाम तक क्या होता है, उनके जो हत्यारे हैं वो गिरफ्तार होते हैं। पुलिस भी पूरी कोशिश कर रही है नाकाबंदी करवा कर उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। और जो तेजा सेना के पदाधिकारी हैं उनकी मांग है कि जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक बाजार बंद रहेगा। सुने दोस्तों उन्होंने क्या कहा। फैसला किया है कि जब तक राजू ठेठ पे जो गोली चलाने वाले आरोपी थे उनकी पुलिस गिरफ्तारी नहीं करती है तब तक हम बॉडी नहीं लेंगे। दूसरा समाज का फैसला यह है कि आज से अभी से जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होते तब तक पूरा जिला और इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ के सारी प्राइवेट कॉलेज हैं, स्कूल हैं, पूरा जिला का मतलब कि ओनली इमरजेंसी सुविधाएं छोड़ के पूरा जिला आपातकाल दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद शहर में काफी भारी आक्रोश देखने को मिल गया। हर तरफ यही चर्चाएं हो रही हैं कि जो गैंगस्टर राजू ठेठ की जो दिन दहाड़े हत्या की गई है, आखिर कौन लोग हैं जो सुरक्षित नहीं है शहर में। इस कारण भारी संख्या में तेजा सेना के पदाधिकारी और जो कार्यकर्ता वहां जुड़ रहे हैं और उन्होंने फैसला भी लिया है कि जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक उनकी डेड बॉडी नहीं ली जाएगी और तब तक पूरे शहर को बंद रखा जाएगा इमरजेंसी सेवा को छोड़कर। तो दोस्तों, पल पल की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और इससे आगे के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।